नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं उनके खिलाफ हम सब इकट्ठे होकर के आज हमने अपनी बात को रखा है और हमने एक मैसेज समाज में दिया है कि अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो हम यूं ही लड़ते रहेंगे और इन चीजों के खिलाफ हम यूं ही खड़े रहेंगे। अगर हम शुरू करें एलजी बनके प्रोफेसर के साथ जो गलत हुआ, मैं कहता हूं अगर उन्होंने कुछ गलत बोला था, पहली चीज आप कौन होते हो उसे सर्टिफिकेट देने वाले, एंटी नेशनल का या नेशनल का? आपको ये राइट्स किसने दिए? आप एक टीचर को, अध्यापक को मार रहे हो, आप अपने आप को इंसान कहलाने लायक हो या नहीं हो? आपने मारा पीटा कर लिया अपने मन का, अब आगे आप कैंपस में गुंडागर्दी करते रहोगे तो ये चीज अब नहीं बर्दाश्त होंगी हम लोगों से और हम लोग इसके साथ यूं ही खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, सबको पता है कि अंतर कहाँ है। सबसे पहले एक साइकोलॉजी पकड़ो, उसके साथ तो चलो। लगातार हमले करने, छात्रों के ऊपर हमले करने, आज जब शिक्षक के ऊपर हमले हो रहे हैं तो क्या यहाँ पे छात्र अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? नहीं। तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ के प्रोक्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, माहौल, कैंपस के माहौल को सही रखा जाए, स्टूडेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, टीचर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। शांति और सुरक्षा के लिए हम लोग ऐसे ही आवाज उठाएंगे। अगर कश्मीरी स्टूडेंट आज हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, कौन कंफर्टेबल होके कहीं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये हमारा भी फेलियर है। हम लोग उनका साथ दें, जहाँ पे भी वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। ये इस कैंपस के स्टूडेंट हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है कि आप सुरक्षा दीजिए कश्मीरी स्टूडेंट्स। तो आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, हम लोग ऐसे हम लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही कहते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।